सो लास्ट करीबन, मैं तो बोलता हूँ लास्ट 15 दिन से ही चर्चा में था। बहुत सारी चीजें हुई, क्या हुई, कैसे हुई, आप लोगों ने इवन न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, काफी चीजें आपको हो सकता है पहले से आइडिया होगा। बट मैंने ट्राई किया है कि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आऊं जो थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो और थोड़ी एक अलग जानकारी आपको मिले, जिससे कुछ प्रॉपर वे में हमें पता लगे कि ये जो इवेंट था वो किस तरीके से काम किया और किस तरीके से ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ G20 की, जो कि फिलहाल अभी लास्ट वीक में हुआ है, 11th को कंप्लीट हुआ न्यू दिल्ली में, जो था इंडिया में। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्या, वो हम देखेंगे, इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। G20 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने G20 तो सुना है, पर G20 है क्या किसी को हो सकता है ना पता हो, तो उसके लिए बेटर रहेगा, जिसको पता है उसके लिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज G20। देखिए, G20 में से जो जी स्टैंड करता है वो है, उसका मतलब है ग्रुप, ठीक है। तो G20 मतलब 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका नाम दिया गया G20, ठीक है। अब ये कंट्रीज एक ग्रुप बनाकर क्या करती है, तो एक तरीके से एक फॉर्म क्रिएट करती है, एक फॉरम क्रिएट करती है, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में काम आता है, ठीक है। आपसी सहयोग, जिसमें बहुत सारी चीजों पे वो बात करते हैं, इकोनॉमिक टाइज से लेकर कल्चरल टाइज तक भी इसमें शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं कि G20 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों इसको हम इम्पोर्टेंस ही क्यों दे, क्या ऐसा है जिसमें इसको हमें देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि G20 में जितनी 20 कंट्रीज का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपिंग कंट्रीज यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी इसके अंदर आ जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी आ जाती है, और डेवलप नेशंस भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम टोटल, अगर इसकी स्ट्रेंथ देखें, इसकी पावर देखें, इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो 80% ऑफ टोटल वर्ल्ड जीडीपी का ये 20 कंट्रीज मिलके करती है, ठीक है। और टोटल इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसका 75% जो है वो ये कंट्रियां मिलके करती है, जो G20 के मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है। और 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 2/3, ठीक है, और 60% ऑफ वर्ल्ड एरिया। तो मतलब अगर देखा जाए तो हर चीज में ये ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है, और उस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंसी भी उतनी बड़ी होती है, चाहे हम कंपेयर करें पॉपुलेशन से, चाहे हम कंपेयर करें लैंड एरिया से, चाहे हम कंपेयर करें जीडीपी से, चाहे हम कंपेयर करें इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है। तो सभी जगह पर ये जो कंट्रीज है इनका दबदबा है, तो इसीलिए इस ग्रुप की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है कि ये ग्रुप इतना क्यों पावरफुल है या क्यों इतना हाइप इसमें क्रिएट होती है, वो यहां से पता लगता है। अब बात कर लेते हैं कि G20 में से कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक, कौन कौन सी कंट्रीज है जो G20 में आती है। सबसे पहला हम देखते हैं अर्जेंटीना, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील, कनाडा, ठीक है, उसके बाद चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक संघ है, कोई देश नहीं है, एक यूनियन है, जो कि टोटल 19 कंट्रीज से मिला हुआ एक पूरा यूनियन है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर हम सारे कॉन्टिनेंट की बात करें तो सभी जगह से है, जैसे हम देखें तो यूएस से भी है, उसके बाद में साउथ अमेरिका से भी है, अफ्रीका से भी लोग हैं, ठीक है, अफ्रीका से केवल एक साउथ अफ्रीका कंट्री है, यूरोप से हैं, ठीक है, एशिया से रशिया है, चाइना है, इंडिया है, उसके बाद साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, और फिर ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग सारी कंट्रीज इसमें आ गई, पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से हम कह सकते हैं हर जगह से एक एक रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप उतना ज्यादा पावरफुल गिना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया G20 का आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, देखिए पिछले साल का जो G20 था, 2021 सॉरी 22 का जो G20 था वो इंडोनेशिया में हुआ था, और वहां पर ये चीज तय करी गई कि अब जो नेक्स्ट G20 है वो दिया जाएगा भारत को, ठीक है। तो जैसे ही भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई, देखिए प्रेसिडेंसी वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे,
हर साल किसी न किसी एक कंट्री को ये मौका मिलता है कि वो G20 की प्रेसिडेंसी करे, ठीक है। तो ये 2023 जो था वो इंडिया के लिए था, ठीक है, January 1 से लेकर December तक 2023, ये पूरा साल जो है वो भारत की प्रेसिडेंसी इसमें रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे ही ये खबर आई तो उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन और US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, दोनों ने ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद बधाई दी थी भारत को और यहाँ के जो PM है उनको कि आपकी लीडरशिप में हो सकता है हमें और भी कुछ नई चीजें मिले। जैसे इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा था कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इंडिया हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इंडिया, ट्रस्ट माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी टू ब्रिंग अस टूगेदर इन ऑर्डर टू बिल्ड पीस एंड मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब शुरुआत से ही कई कंट्रीज ऐसी थी जो चाहती थी कि अगर ये इंडिया के हाथ में अगर जाता है तो ये G20 में कुछ न कुछ निकल के आएगा और कुछ अच्छा होगा। क्योंकि देखिए उसके पीछे रीजन बताता हूं मैं, 2022 में जो अब इंडोनेशिया में G20 हुआ था तो वो G20 जो था वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। रीजन ये था कि एक्चुअली में G20 जब मीटिंग हुआ था, प्रॉब्लम था जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लेकर हुआ था। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो सारी एक हो गई थी और वो ये चाहते थे कि रशिया को इधर ना बुलाया जाए या बहुत ज्यादा उसके लिए कोई डिक्लेरेशन पास किया जाए जिसमें रशिया को बहुत भला बुरा कहा जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर जब इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी कर रहा था तब इंडोनेशिया के ऊपर काफी प्रेशर आया था, उसमें इंडोनेशिया ने जो प्रेसिडेंट जेलेस की है, ठीक है, यूक्रेन के, उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया था लेकिन वो आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दी थी और उस टाइम पे उन्होंने G20 को G19 बोलकर संबोधित किया था। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जेलेंस्की मानता ही नहीं था कि रशिया इसका मेंबर है और उस टाइम पे बहुत किरकिरी हुई थी रशिया की भी और उसकी भी और बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन ऐसा निकाला था जिसमें रशिया को भी बहुत सारी बुराई की गई थी। तो कुल मिला के ये था कि अगर 20 कंट्रीज इकट्ठा हो रही है तो काम होना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन G20 का जो प्रीवियस ईयर का जो पूरा एक समिट था वो पूरा रशिया यूक्रेन और पॉलिटिक्स में निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद थी कि इस बार जो इंडिया करेगा उसमें काफी चीजें प्रॉपर होंगी। और G20 की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए सबसे पहली चीज ये हो कि G20 से अलग एक ग्रुप है जिसको G8 कहा जाता है जो कि अब G7 है, G8 हुआ करता था जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, यूरोपियन यूनियन और रशिया हुआ करते थे। लेकिन जब ये सारे सेंशंस लगे, रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ उसके बाद में रशिया को निकाल दिया था, तो उस टाइम पे G8 जो था वो G7 अब बन चुका है, ठीक है। अब G7 ग्रुप में प्रॉब्लम क्या थी कि आप जितनी भी इकोनॉमीज को देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली, जापान, UK, US और यूरोपियन यूनियन, ये सारी डेवलप्ड इकोनॉमी है एक तरीके से, ठीक है। तो जब ये सारी कंट्रीज आपस में बैठती थी तो सबसे बड़ा जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एक कमी है वो कमी यहाँ पर आप देख रहे हो एशिया में, केवल और केवल यहाँ पे जापान इंक्लूड था, इसके अलावा कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं थी। जबकि एशिया में हम आज की तारीख में इंडिया और चाइना, चाहे किसी भी बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, इन दो कंट्रीज को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका से यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, साउथ अमेरिका से यहाँ पे कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये ग्रुप भले ही पावरफुल था लेकिन इस ग्रुप का हम कह सकते हैं कि रिलीवेंसी जो थी वो उतनी नहीं थी। तो इसलिए G20 बनाया गया था 1999 में और तब से ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया को जब मिला, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है G20 करता क्या है, मतलब वो तो आप समझ गए कि ये ग्रुप है और बड़ी बात है, पर G20 का एक्चुअली काम क्या है। देखिए G20 है जो दो ट्रैक पे काम करता है, पहला ट्रैक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आप में से अगर किसी को माउंटेन क्लाइंबिंग या हाइकिंग का अगर शौक है या आप कभी हिमालय के ट्रैक पे अगर चढ़े हो तो हिमालय चढ़ाने वाला जो गाइड होता है उसको शेरपा कहते हैं।
ठीक है, तो ये वर्ड वहीं से निकला है, शेरपा। ठीक है, तो दो ट्रैक पे काम चलता है, पहला है फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक। अब काम कौन कौन से होते हैं उसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया जाता है, तो देखिए पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। देखिए क्या होता है, 20 कंट्रीज जब मिलकर बैठती है किसी एक टेबल पे, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे बात करना चाहिए। तो 20 कंट्रीज अगर मिलकर बैठती है और वो किसी एक नतीजे पे आती है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो 20 कंट्रीज ने अगर किसी एक चीज पर आ गई तो वो ग्रोथ या वो जिस सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन बहुत जल्दी और बहुत ही बड़े लेवल पर वो लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो लागू होगा सीधा 20 कंट्रीज पे। ठीक है, आपने अभी थोड़े दिन पहले, मैंने ही अपडेट किया था मेरे फॉरेक्स प्रो गुरु चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी उसको अपडेट किया था कि क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन बिल पर भी एक मीटिंग हुआ था, और वो G20 मीटिंग में ही निर्मला सीतारमन का एक जो वीडियो था वो मैंने पोस्ट किया था। तो ऐसे जब कंट्रीज बैठती हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल मैटर जो होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद वो किसी एक राय पे आते हैं और वहां से फिर ये सारी चीजें निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिया का पैसा अगर बाहर जा रहा है तो जिस कंट्री में जा रहा है, जिस कंट्री में भी अगर जा रहा है पैसा, ठीक है, चाहे वो ब्लैक मनी या व्हाटएवर किसी भी तरह का, उस कंट्री के साथ अगर टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हमारा होता है तो फिर वो पैसा बाहर नहीं जा सकता है, वो वापस इंडिया लाया जा सकता है, उसके ऊपर बात होती है। फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पे बात होती है, जैसे कोई कंट्री की कंपनी अगर इंडिया में कोई फाइनेंशियल कंपनी अगर डालना चाहती है या फाइनेंशियल वो करना चाहती है तो उसकी रेगुलेटरी क्या होगी। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी रेमिटेंस का मतलब ये है कि कई बार हम पैसा अगर मान लीजिए बैंकिंग के थ्रू अगर मान लीजिए यूके, यूएस, चाइना, अफ्रीका अगर कहीं भेजना चाहते हैं तो रेमिटेंस जो है अगर उसके बीच में कंट्रीज का टाई अप होता है तो वो पैसा जल्दी भी पहुंचता है, और इसके अलावा चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इम्पैक्ट हम देखेंगे तो बहुत बड़ा उसमें आता है। तो ये होता है फाइनेंशियल ट्रैक। अब बात करते हैं शेरपा ट्रैक की। शेरपा ट्रैक में क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए शेरपा ट्रैक में आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज, देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। यानी फिर कुल मिला के आप देखो तो सारी चीजें कवर कर ली इसमें, हेल्थ केयर आ गया, इसमें फाइनेंस आ गया, फूड सिक्योरिटी आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो ये सारी चीजें उसमें आ गई। तो कुल मिला के आप देखोगे तो लगभग एक कंट्री की ग्रोथ के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सभी एस्पेक्ट्स पे ये मीटिंग होती है। और आप में से कई लोगों ने शायद रेगुलर अगर पढ़ते रहते होंगे या मान लीजिए आप पेपर या न्यूज में आपने फॉलो किया होगा, तो इंडिया ने लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग्स यहाँ पे करवाई पूरे, यानी पूरे साल भर चला, जनवरी से शुरू हो चुका था, जनवरी 2023 से लेकर अभी तक का। तो आपने बीच बीच में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या आप आपके एयरपोर्ट पे भी आपको ये दिखा होगा, एयरपोर्ट पे G20 का एक बहुत बड़ा वो लगाते हैं, फिर कई डेलीगेट्स आए, कई शहरों में मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान गुजरात तक हर जगह मीटिंग करवाई है। तो 200 मीटिंग्स लगभग करवाइए। और देखिए सबसे बड़ी चीज, मतलब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि देखिए 200 मीटिंग करवाइए, लेकिन सबसे बड़ा जो इंडिया ने प्लस पॉइंट आया है इंडिया के पास में वो क्या है, तो देखिए प्लस पॉइंट ये है कि 200 मीटिंग्स में लगभग हम मान के चलते हैं कि हर कंट्री से अलग अलग डेलीगेट्स आते हैं, हर कंट्री के डेलीगेट्स आएंगे, लगभग 20 कंट्री के तो मिनिमम डेलीगेट्स वहां पे मिलेंगे क्योंकि G20 है ये, ठीक है। वो भारत की अलग अलग जगहों पे जाएंगे, चाहे वो कश्मीर में जाएंगे उनको वहां पे अलग सारी चीजें मिलेगी, वहां का कल्चर, इंडिया में अगर वो किसी और जगह जाते हैं जैसे दिल्ली में जाते हैं या मान लीजिए गुजरात अहमदाबाद आते हैं, मुंबई जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, हर जगह भारत का कल्चर जो है वो बिल्कुल डाइवर्सिफाई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी चीज करी वो ये करी कि सारी जगहों पे ये दिखाने की कोशिश करी कि भारत कितना डाइवर्स है, वहां का कल्चर कैसा है हर जगह, चाहे वो फूड से लेकर वहां पे जो वेशभूषा जो पहनते हैं वो सारी चीजें। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो टूरिज्म का भी इन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केटिंग किया, ठीक है। तो इससे काफी चीजों में एक चीजें क्रिएट हुई।
अब G20 आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब मिले और उस टाइम पे जो भी चीज हुई, क्योंकि अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, चाहे वो जो बाइडन हो या इमैनुअल मैक्रोन हो या सऊदी प्रिंस हो, ये सब लोग आए थे, तो ये लोग आने के बाद तो इनका एजेंडा क्लियर ही था कि अब जाना है और ये चीज करनी है। क्योंकि किसी चीज पर अगर वो एग्री होने वाली जो बात है या सिग्नेचर करने वाली बात है, वो तो पहले जो 200 मीटिंग्स हुई है वहीं पे ये निकल के आ जाता है। तो फाइनल मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा इंडिया को एक बेनिफिट ये भी था, और वो बेनिफिट ये था कि अगर आपके पास में प्रेसिडेंसी होती है, ठीक है, अगर आपके पास में प्रेसिडेंसी होती है तो आपको ये अधिकार होता है, ठीक है, कि आप अपनी तरफ से किसी कंट्री को एज अ गेस्ट बुला सकते हैं। तो भारत ने किन किन कंट्रीज को बुलाया था, देखिए यूएई, जिसके साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ओमान, अदर उनके साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बांग्लादेश जो हमारे पड़ोस में है, मॉरिशस, वहां पर भी आप देखेंगे तो जो वहां के प्रधानमंत्री है वो इंडियन ही है एक तरीके से, नीदरलैंड जिसके साथ एक अच्छा रिश्ता है इंडिया का, नाइजीरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर भी बहुत अच्छा रिलेशन है, और स्पेन, ठीक है। तो इन लोगों को, इन सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था और फाइनल जब मीटिंग हुआ था अभी 9, 10, 10, 11 तारीख को, तब ये लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये बेनिफिट होता है, इंडिया अगर चाहे तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से कैसे लागू करना और किस तरीके से क्या चीजें करनी है वो वहां पे दिखता है। तो कुल मिला के भारत को एक मौका मिला था अपनी ताकत दिखाने का इस पूरे इवेंट के थ्रू, कि आप बताइए कि आपकी कंट्री जो है वो कितनी पावरफुल है, कितनी रिच है, कितनी नेचुरल रिसोर्सेज लेकर है, या आप किस तरीके से मेहमान नवाजी करते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पर जो फॉरेन का मीडिया था, और ये हमेशा होता ही है कि वेस्ट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो है वो कभी इंडिया की एक पॉजिटिव पिक्चर पेश नहीं करता है, ठीक है। तो कई पेपर्स में आर्टिकल आए थे कि विल इंडिया G20 समिट सक्सीड और नॉट, ब्यूटिफिकेशन फॉर सिटी, ग्रेवयार्ड फॉर अस, ठीक है, मतलब ये स्लैम किया था, मेनी स्लम्स डिसअपियर फ्रॉम दिल्ली अहेड ऑफ G20 समिट, मतलब कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया था कि ये होगा या नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि जैसे ही G20 का जो 10 और 11 तारीख का जो मेन समिट था होने से लगभग 3 दिन पहले ये क्लियर हो गया कि जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो नहीं आएंगे, और रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो नहीं आएंगे, दोनों का कैंसिल हो गया। तो फिर एक वो मौका और मिल गया कि जब इतने बड़े दो लीडर नहीं आ रहे हैं तो ये समिट का क्या होगा, और इवन रशिया ने ये पहले ही बोल दिया था, यानी समिट होने से 1 महीना पहले बोल दिया था कि अगर हमारे पक्ष को ढंग से आपने सुना नहीं, या हमारी डिक्लेरेशन के अंदर जो साझा एक बयान होता है उसके अंदर अगर मान लीजिए आपने रशिया की बुराई करी या रशिया को लेकर कड़े शब्द यूज किए युद्ध को लेकर, तो फिर हम वो डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करेंगे, ये पहले ही क्लियर कर चुके थे वो। तो कुल मिला के प्रेशर इंडिया के ऊपर काफी था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी होने के बावजूद भी इंडिया को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो विक्ट्री मिली है। क्या क्या विक्ट्री मिली है उस पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज कि G20 अब G21 बन गया है, ठीक है, G20 जो है वो अब G21 हो गया है, उसमें एक परमानेंट मेंबर को ऐड कर लिया है जो कि है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का एक यूनियन है, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी टोटल 55 कंट्रीज का एक यूनियन है, ठीक है, जो कि 2002 में बना था, और अफ्रीकन यूनियन को जैसे ही उसमें डाला गया, जो परमानेंट उसकी मेंबरशिप की गई, ये बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिकल कदम था। आप लोग उसको किस तरीके से देखते हैं या कितना इस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अफ्रीका जो है अगर आप देखेंगे तो अभी पूरी दुनिया की नजर अफ्रीका पे लगी हुई है। उसका रीजन ये है क्योंकि अफ्रीका भले ही डेवलप कॉन्टिनेंट या अफ्रीका के अंदर कोई बहुत डेवलप नेशन नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी आज की तारीख में हम देखें तो पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अफ्रीका में आपको मिलेंगे। चाहे आप डायमंड की बात कर लो, चाहे आप क्रूड ऑयल की बात कर लो, चाहे आप नेचुरल गैस की बात कर लो, चाहे आप लिथियम की बात कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, ठीक है। तो अफ्रीका अपने आप में बहुत ही ज्यादा संपन्न है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफ्रीका के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई है, और वहां पे अपने गृह युद्ध इतने हुआ करते थे कि जिसके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए।
तो अफ्रीका में पोटेंशियल तो बहुत है, और आपको अगर आप अगर चाइना को अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा चाइना का बहुत बड़ा लोन अफ्रीका के ऊपर चल रहा है, तो चाइना घुसना ही चाह रहा था। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये चीज करी थी, जिसमें बाकी सारी कंट्रीज ने हाँ में हाँ मिलाई और सपोर्ट किया। तो अब अफ्रीका जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का। सो G20 इज नाउ G21, ठीक है। तो पहली तो विक्ट्री हुई, और उसका पूरा श्रेय जाएगा भारत को, ठीक है, पूरा श्रेय भारत को जाएगा, क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी में ये सारी चीजें हुई है। तो उस कारण से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वो मिल गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे अमिताभ कांत जो है, जो कि G20 के शेरपा थे इंडिया से, उनका ये ट्वीट है कि G20 इंडिया हैज बीन द मोस्ट एम्बिशियस इन द हिस्ट्री ऑफ G20 प्रेसिडेंसीज विथ 112 आउटकम्स एंड द प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स वी हैव मोर देन ट्रिपल द सब्सटेंटिव वर्क फ्रॉम प्रीवियस प्रेसिडेंसी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये क्या आई है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई आज तक की, उन सब में से सबसे ज्यादा आउटकम अगर कहीं निकल कर आया है तो वो G20 2023 इन भारत से निकल कर आया है। जैसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, जैसे ये देखिए, ठीक है, हम पुरानी जो G20 की प्रेसिडेंसीज मीटिंग हुई उसकी बारे में बात करते हैं। टोटल आउटकम जो थे अगर आप देखेंगे तो 73 निकल कर आए इंडिया से, ठीक है। एनेक्स डॉक्यूमेंट जो हुए हैं वो 39 हुए, तो टोटल 112 आप देख सकते हैं। यानी ये इतना रिजल्ट हुआ, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट आया उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आप देख लें, कंपेयर कर लें 2022 में, उससे आधे से भी कम था। इटली में जो हुआ था 21 में, उसमें 65 था। 2020 में सऊदी अरेबिया में जो हुआ था वो तो 30 था ओनली। तो कहने का मतलब, यहाँ पे इंडिया ने अपनी लीडरशिप को बता दिया है क्लियरली कि किस तरीके से सारी कंट्रीज को साथ में लेकर चला जा सकता है। तो मोस्ट सक्सेसफुल अगर हम देखें कि अगर कौन सा अगर मानेंगे, तो आउटकम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीज वहां से निकलती है। अब किन किन चीजों पे हुआ, तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे आया है जो आउटकम की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आया है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया है, फाइनेंस के ऊपर आया, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट में आया, और एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, इन सभी पे ये आउटकम निकल के आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब बात हुई कि डेक्लेरेशन की, जो मैंने अभी आपको बताया कि चाइना सॉरी रशिया ने पहले ही कहा था कि डेक्लेरेशन में आपको किसी भी तरीके से रशिया को, मतलब हम कंडेम करेंगे अगर रशिया को आपने ब्लेम किया तो। यहाँ पे क्लियरली जो डिक्लेरेशन साइन हुआ उसमें क्लियरली ये हुआ है कि नो डायरेक्ट कंडेमनेशन ऑफ रशिया इन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इवन एज G20 कॉल्स फॉर पीस इन यूक्रेन। यूक्रेन में पीस होनी चाहिए, इस पे सारे देश सहमत है, किसी ने कोई मना नहीं किया, लेकिन रशिया का डायरेक्ट कंडेमनेशन भी नहीं किया है। मतलब आप देख रहे हो ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। मतलब आप सोच लीजिए कि आपको US को भी मनाना है, आपको फ्रांस को भी मनाना है, आपको यूरोपियन यूनियन को भी मनाना है, मतलब ये सारी चीजों को मनाने के बाद डिक्लेरेशन को एज इट इज पास करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जो कि मेरे ख्याल से कि ये तभी हो पाती है जब आपके जो लीडर है उसका रिलेशन बाकी के जितने भी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ अगर बहुत अच्छा रिलेशन हो तभी होता है, वरना नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी बात और बताऊं, भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी समिट और इतने राष्ट्राध्यक्षों को एक बार में बुलाना, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि इतनी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आए। तो अपने आप में ये कोई छोटा इवेंट तो वैसे भी नहीं था, ये बहुत बड़ा इवेंट था। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो था वो यही था कि किस तरीके से ये सारी चीजों से वो बाहर निकले और बिल्कुल उसको सक्सेस बनाए। तो जैसे सक्सेस हम यहाँ पे देख ही रहे कि आउटकम्स जो है वो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निकल कर आए इस G20 से, ठीक है। एक चीज और भी आई, जैसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तीसरा चीज हम यहाँ देख रहे हैं, एक चीज और भी आई, और वो सबसे बढ़िया और सबसे मेरे हिसाब से डायनामिक रिजल्ट लेकर आएगा, जो आने वाले टाइम में चाइना को पूरी तरीके से साइडलाइन कर देगा, वो वाला प्रोजेक्ट आया, और उसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये एक कॉरिडोर है जो कि बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इन तीनों को कनेक्ट करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको रूट दिखाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे होगा। तो देखिए, मुंबई से ये जाएगा सी रूट होते हुए जाएगा दुबई, दुबई से वहां से ये रेल रूट कनेक्ट करेंगे, और रेल रूट आपका जाएगा रियाद तक, सॉरी अल हदीथा तक। वहां से फिर ये सी रूट कनेक्ट होगा वापस से, ये बीच में इसराइल को भी कनेक्ट करेगा, और इसराइल से फिर ये सीधा जाएगा यूरोप, यानी स्पेन से होते हुए यूरोप। ठीक है, तो ये रूट जो है, ये हिस्टोरिकल रूट है। अगर ये रूट मिलता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इंडिया को, अगर यूरोप पहुंचना है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और सबसे बड़ी बात कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, आप इसमें मेंबर कंट्रीज देखिए, सबसे पहला सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद इंडिया ऑब्वियसली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, यूएस का डायरेक्टली इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो यूएस तो यूरोप के भी बाद में आएगा, ठीक है। यूएस का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप इस सॉरी यूएस इस कॉरिडोर में पार्टिसिपेट है, ठीक है। सो ये बताता है कि अभी जो यूएस की जो पॉलिसी है, वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं तो केंद्रित हो गई है, ठीक है। सेंट्रलाइज जो हो गई है वो चाइना के ऊपर हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरा पुराना सेशन अटेंड किया होगा। मैंने पुराना सेशन लिया था एक चाइना के BRI प्रोजेक्ट पे, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव ORoP पे, मैंने एक प्रोजेक्ट पे लिया था। मैंने बताया था कि चाइना कैसे ये सारी चीजें कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना अपने ट्रेड रूट्स को कनेक्ट कर रहा है यूरोप और मिडिल ईस्ट और अलग अलग जगह से। अब देखिए, यहाँ पे जो ब्लू वाला आप रूट देख रहे हो, ये रूट है मैरीटाइम सिल्क रोड, यानी ये रोड है जो कि सी के होते निकलेगा, ये देखिए, ठीक। और दूसरा, आप जो ऑरेंज लाइन में देख रहे हो, ये है आपका बाय रोड और बाय रेल, ठीक है। ये तो इस तरीके से चाइना चाहता है कि हमारा रूट कनेक्ट हो जाए, और कई जगह पे उसने किया भी है, बहुत सारी कंट्रीज को उसने खरीदा भी एक तरीके से, बहुत सारे लोन दे दिए। पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये जो रूट आप देख रहे हो, जो काशगर से इस्लामाबाद होते हुए ग्वादर आया था, ठीक है, इस रूट पे भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर करी थी, और आज भी, ठीक है, 2018, आप ये चीज ध्यान रखना, 2018 में ये प्रोजेक्ट का डेडलाइन था, लेकिन 2023 हो गया, अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और इसको इंडिया पूरा होने भी नहीं देगा, क्योंकि रीजन है कि यहाँ से जो रोड जा रहा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से जा रहा है, और इंडिया ने क्लियरली यहाँ पे कंडेम किया था इसको, कि आप कभी भी इस तरह के रूट को अप्रूवल नहीं दे पाओगे, और आज भी ये रूट पूरी तरह से बन नहीं पाया, और मेरे को लगता नहीं आगे भी बनेगा, चाइना का पैसा यहाँ पे तो पूरा फंस गया है। तो अब आप ये रूट देखिए कि चाइना को अगर यूरोप में माल पहुंचाना है तो वो कहाँ से जाएगा, ये जो न्यू सिल्क रोड है, या तो वो वहां से जाए, ठीक है, इस्तानबुल होते हुए, ठीक है, और अगर वो मान लीजिए मेरी टाइम जाता है, तो मेरी टाइम या मलेशिया होते हुए उसको वापस से ये रूट पकड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ओमान और अरेबिया और वहां पे कुछ नहीं। और इंडिया के लिए देखिए, आप यहाँ मुंबई से सीधा घुसे यूएई, सऊदी अरेबिया होते ही पहुंच जाएगी, तो कहने का मतलब इसमें इंडिया का एक अपर हैंड हो जाएगा। तो इस कारण से चाइना का एक तरीके से पूरा मूड खराब हो गया इस G20 में, बहुत बुरी किरकिरी हुई है, और ये जैसे ही हो गया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शंस और ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगने की तैयारी में है, बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएंगे। तो कुल मिला के ये है कि उस एक तीर से बहुत सारे निशाने खत्म हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, जैसे आप देख रहे हो न्यू सिल्क रोड, जो ऑरेंज लाइन में आप देख रहे हो, ये इस्तानबुल से आ रहा है। अब इस्तानबुल कौन सी कंट्री का है, वो है टर्की का। टर्की से इंडिया के रिलेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्यों, क्योंकि रीजन है, जब से 370 जो आर्टिकल हटाया था कश्मीर से, तो इस टर्की ने उसमें क्लियर कंडेम किया था और पाकिस्तान का पक्ष लिया था, तो तब से थोड़े इंडिया के रिलेशन उनसे खराब है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये रूट जैसे ही किया सऊदी अरेबिया से होते हुए, तो इन्होंने टर्की को पूरी तरह से बायपास कर दिया, टर्की कहीं बीच में नहीं आएगा। अगर इंडिया वाले रूट की हम बात करें, तो ये इस रूट में कहीं टर्की नहीं है, टर्की ये रहा, ये ऊपर
टर्की को साइडलाइन करके निकाल दिया। तो कुल मिला के इसमें नुकसान टर्की का भी है जो कि चाइना का बहुत बड़ा एलआई है एक तरीके से। तो कुल मिला के ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो एक नया अलियंस भी क्रिएट किया है, ठीक है, उसको नाम दिया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस नाम से। ठीक है, देखिए दुनिया जानती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो 2030 और 50 के बाद में क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रह जाएगा, बहुत ही लिमिटेड मिलेगा। और जितना लिमिटेशन क्रूड ऑयल की होगी उतना ही ज्यादा क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस है वो बढ़ती जाएंगी। तो प्राइजेस बढ़ेगी तो एनर्जी कॉस्ट और सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो दुनिया अभी जा रही है तो कहाँ जा रही है, तो अभी जा रही है सोलर पावर के अंदर, लिथियम आयन बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज है। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में आपको अगर याद हो तो बायोफ्यूल बनाया जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी है, उसका भी अभी इंजन लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर। इसके अलावा पेट्रोल के अंदर आप कोई एक गैस मिलाते हैं, अगर वो मिला दोगे तो उससे भी ज्यादा बेनिफिट होगा, करीबन 20 या 30% मिलाने का एक वो है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा है, वो शुगर से गन्ने से बनता है वो, मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या है एक्चुअली उसका। तो वो काफी बेनिफिट एक तरीके से दे सकता है और इंडिया उसको, हाँ इथेनॉल, बिल्कुल इथेनॉल। तो इथेनॉल जैसे ही अगर आ जाएगा तो इथेनॉल का क्या हो गया कि 20% इथेनॉल मिलाने लग गए। अब आप देखें इथेनॉल किससे बनता है, तो गन्ने से बनता है। तो गन्ने जो लोग उगाते हैं, जो फार्मर्स जो गन्ना उगाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज होगी, उससे गन्ने की खेती हुए वो भी बढ़ेगी। और पूरा वर्ल्ड में एक तरीके से गन्ने में अगर देखो आप तो इंडिया काफी एक वर्ल्ड लीडर की तरह है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस में भी अगर आप देखें तो बहुत एक इनिशिएट हुआ है और उसमें भी अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया जो कि इंडिया ने ही क्रिएट किया है। कौन कौन सी कंट्री है, तो देखिए अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, इंडिया है, इटली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है और यूएस है। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यूएसए, इंडिया, ब्राजील के अलावा कोई बहुत बड़ी कंट्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो जरूर यहाँ पे ऐड होंगे, क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं ऑब्जर्वर कंट्री के अंदर कनाडा और सिंगापुर ये दोनों है। तो अलियंस तो आगे भी बढ़ते रहेंगे और उसी तरीके से आगे सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये जो आउटकम आया वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया आउटकम है और बहुत ही बड़ा आउटकम है। तो कुल मिला के अगर ये देखते हैं तो G20 से ये बहुत सारी चीजें निकल के आई है। बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो आए थे यहाँ पे वो सारी चीजें आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने इंडिया का एक तरीके से हम बोले तो सुपर पावर की तरह देखा उन्होंने। सुपर पावर किस में हम बने, तो सबसे पहला हमारा जो यूपीआई है उसमें हम सुपर पावर है। दुनिया में अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो वो इंडिया में होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा शेयर जो है वो यूपीआई का है। आपने सुना भी होगा यूपीआई अभी काफी कंट्रीज में चालू भी हो रहा है और कई कंट्रीज यूपीआई को अडॉप्ट भी कर रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सबसे बड़ा एक इंडिया के लिए ये मौका था कि अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को ये सभी कंट्रीज को लेकर जाएं और उनको दिखाएं और उनको पता चले कि किस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जितनी भी चीजें थी, G20 जो अब G21 बन चुका है, ये पूरी तरीके से सफल रहा है। और आने वाले टाइम में देखिए पहले भी ये इंडिया ने अपनी बात को रखा था कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं और जितने भी जो यूनाइटेड जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि समय के साथ उनको बदलना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो वो बदले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए G20 का जो इम्पोर्टेंस ही है वो वैसे ही बढ़ जाती। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे और भी उसी तरीके से राइज होगा और लोगों को पावर का एहसास हो चुका है कि क्या है, किस तरीके से चल रही है। आने वाले टाइम में पहले भी मेरे सेशंस में मैंने बोला है कि ये सदी जो है, ये पूरी सेंचुरी जो है वो एशिया की है। तो आप देख लो एशिया में जो सबसे बड़ा शेयर होगा वो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली इंडिया को मिलेगा, क्योंकि चाइना अभी एक तरीके से डिक्लाइन मोड पे है। चाइना में अभी डिफ्लेशन है, चाइना में बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज बाहर निकल रही है। चाइना में अगर आपने कुछ टाइम पहले अगर खबर पढ़ी हो तो ये भी आपको ध्यान होगा कि चाइना में जो आईफोन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बैन कर दिया है ऑफिस में लेकर आना। ठीक है, तो पहले केवल कुछ पार्ट्स इंडिया में बनते थे, बाकी असेंबल होता था, पर आने वाले टाइम में आप देखोगे तो आईफोन जो बनेगा वो पूरी तरीके से इंडिया में ही बनेगा। ठीक है,
तो आने वाले टाइम में वो चीज भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के सारी जो चीजें हैं वो अभी हक में है इंडिया के, और काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो G20 के बारे में मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी। होप की उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी, तो कोशिश करी मैंने कि आप तक मैं उसको पहुंचाऊं। सेशन कैसा रहा लगा आपको, डिटेल कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज थोड़ा सा 2 से 3 लाइन आप, मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करके बताएं इसको कि कैसा लगा, क्या लगा। कुछ नई इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी वो भी आप मुझे जरूर बताएं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बोलोगे सर ये तो न्यूज में सुना था, वही आपने बताया, कुछ नया नहीं है। तो अगर ऐसा भी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो कमेंट है वो मुझे करके बताएं कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ।